हेलो दोस्तों, मैं हूं अनस और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आयुष्मान कार्ड घर बैठे खुद से कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ऊपर सर्च करना है आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन। फिर आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, आयुष्मान भारत सबसे ऊपर में आपका शो हो रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सबसे ऊपर में शो लिख रहा है क्रिएट आभा नंबर, इसका मतलब ये है कि आयुष्मान कार्ड को आभा कार्ड भी कहते हैं। तो हम लोगों को क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हम दो तरीके से आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। नंबर वन, आधार कार्ड के द्वारा। नंबर टू, ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा। ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो हम लोग आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा, कंसेंट कलेक्शन, दूसरा आधार ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन डिटेल, तीसरा चौथा आभा एड्रेस क्रिएशन। उसके नीचे आप देख सकते हैं आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर उसे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको अग्री आई अग्री पर सेलेक्ट कर टैप करना है, देन आपको कैप्चा भर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसे डालना होगा। इसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन और कम्युनिकेशन डिटेल हो जाएगा। फिर आप सिर्फ आभा एड्रेस क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना एड्रेस और आपको आप आभा आधार जो भी डिटेल है वो भर देंगे। फिर भरने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपका आयुष्मान कार्ड बहुत ही आसानी से बन जाएगा, फिर आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।